सर ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, राते का क्रैश हुआ, अभी तक कुछ आता पता नहीं है। सबको पता चल गया है कि बहुत बैड न्यूज आने वाला है, इसलिए जब भी कोई बहुत बैड न्यूज होती है ना, तो उसको बहुत लंबे समय तक के लिए क्या किया जाता है, खींच दिया जाता है, ताकि लोग धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ जाए। यहाँ पर जाएंगे लोग इजराइल से निपटने जा रहे थे, किसे इजराइल से, सबसे ज्यादा ईरान एक्टिव था। अब कोई इजराइल के खिलाफ बोलेगा, तीन गो हेलीकॉप्टर में उन्हीं का क्रैश किया है। ऐसे थोड़ी हेलीकॉप्टरों को देखना पड़ेगा। उत्तराखंड में जब तबाही आई थी तो उसी हेलीकॉप्टर MI-17 जो था, MI-17 V5, वही क्रैश किया था। बिपिन रावत का भी MI-17 क्रैश किया था और इनका भी MI-17 क्रैश किया है। हम मोदी जी भी जो हेलीकॉप्टर वाले के आए तो वो भी MI-17 है। MI-17 है हाँ, एयरपोर्ट वाला जहाज से आ जाते हैं, उसके बाद जब इंटरनल जगह जाना होता है तो किस चीज से जाएंगे, MI-17 से। बहुत खतरनाक, इसको चेंज करने की जरूरत है अब हम लोग के पास। हाँ, अगस्टा वेस्टलैंड मनमोहन सिंह के समय आ रहा था, लेकिन इतना इतना मतलब महंगा था कि उसको ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया कि इसको रिश्वत खिलाया गया, बहुत महंगा है, तो ब्लैकलिस्टेड हो गई अगस्टा वेस्टलैंड। उसके बाद से अभी यहाँ पे देखिए, एक प्रेसिडेंट के पास और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक माइंडसेट से देश को ले जा रहा होता है। आधी योजनाएं बीचों बीच में अटक जाती है अगर कोई आदमी चेंज हो जाता है तो। अब क्या कहिएगा, ईरान के लिए बहुत दुखद न्यूज, हाँ ईरान के लिए है, इसराइल के लिए टेंशन फ्री है, कुछ नहीं बोलेगा इसराइल इस पर, एकदम चुपचाप रहेगा। हाँ, अंदर खुश होगा, मेहनत का फल के कौन खुश होता है, नहीं समझे, आगे बढ़े।